स्वागत है मित्रों आपका यूफो किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं अवाकाडो सैंडविच। अवाकाडो सैंडविच के लिए हमने क्या किया है कि एक अवाकाडो ले लिया है, एक छोटा प्याज ले लिया है, एक टमाटर ले लिया है, साथ में एक सैलरी का टुकड़ा ले लिया है, उसको हम छोटे छोटे सबको इनको बारीक पीसेस में काट लेंगे। थोड़ा सा धनिया ले लिया है और मेरे पास मायनेज है, केचप है, साथ में नींबू का रस है और नमक और काली मिर्च। इतनी चीज़ों के साथ में हम ये सैंडविच बनाएंगे। और ये जो ब्रेड है, स्लाइसेस हैं, उसको मैं पहले टोस्ट कर लूँगा और टोस्ट करके उसके ऊपर सारी चीज़ों को हम लगाएंगे। तो अब इनको हम छोटे छोटे बारीक बारीक काटते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे काटते हैं। तो आप देखें कि मैंने ये प्याज काट लिए हैं छोटे छोटे और उसके साथ में सैलरी काट ली है छोटी छोटी टुकड़े में, टमाटर काट लिए छोटे छोटे टुकड़ा बना के और थोड़ी सी धनिया काट ली है। अवोकाडो को मैंने दो पीसेस में काट लिया है और उसको अब उसके अंदर का हम पल्प निकालेंगे। तो उसके पल्प निकालने के लिए बस इसको ऐसे एक चम्मच ले लीजिए और इस चम्मच से इसके ऐसे पल्प निकाल लीजिए। ये देखिए ऐसे ही दूसरे वाले का भी हमने पल्प निकाल लिया है और अब हम इसको इसे मैश कर देंगे और इसके अंदर फिर अपने ये प्याज, सैलरी और टमाटर और धनिया मिला देंगे। और उसको मिलाने के बाद हमने टोस्ट बनने के लिए रख दिया है, टोस्टर में टोस्ट रखा हुआ है। और इसमें हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा नींबू डालेंगे और नमक और काली मिर्च मिलाएंगे। ये हमने डाला टमाटर, ये सैलरी और ये प्याज डाल दिया और ये धनिया की पत्तियाँ डाल दी और इसके ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल देते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ऐसे ऑलिव ऑयल डाल दिया, थोड़ा सा नींबू का रस ले लेते हैं, वो डाल देते हैं। ये देखिए ज़्यादा वो भी मत डालिएगा, नींबू का रस डाल दिया, थोड़ी काली मिर्च, एक फ्रेश काली मिर्च का स्वाद एकदम मज़ेदार होता है, मज़ा आ जाता है खाने में। और थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार डाल लीजिए इसको और इसको मिक्स करते हैं। और फिर ये देखिए हमारा टोस्ट तैयार हो गया है यहाँ पे। और इसमें अब हम ये थोड़ा सा मायो लगाते हैं बेस बनाने के लिए इसका। तो ये हमने इस पर ये मायो लगा दिया, ये देखिए मायो लगा के। और इस पर फिर ये जो हमने अवोकाडो का पेस्ट तैयार किया है प्याज और सैलरी और टमाटर के साथ में, उसको लगाएंगे। अब इसमें ये हम सैलरी वाला जो हमने सॉरी अवोकाडो और सैलरी का जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर के साथ में, वो लगा देते हैं इसके ऊपर। ये देखिए वो लगा दिया और अच्छा, अब इसको हम ये दूसरे हमने इसके ऊपर ब्रेड रखा और इसे पैक किया इसको और इसको और इसको हम ऐसे इसको काट देते हैं बीच से। ये देखिए ट्रायंगल करके ये हो गया हमारा सैंडविच तैयार। और इसको अब हम सर्व करते हैं इसके ऊपर। ये देखिए और आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा केचप डाल दें या साइड में रख दें, मैं इसके ऊपर ही लगा देता हूँ कहते थोड़ा सा। तो ये देखिए केचप लगा दिया और ये आपका सैंडविच तैयार हो गया। तो ये देखिए हमारा सैंडविच तैयार हो गया। तो आप भी बनाएं और खिलाएं अवोकाडो वाली सैंडविच और खाने वाले कहेंगे स्वाद में और हेल्थ में वेरी रिच। तो फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ में बहुत जल्दी।